नमस्कार, मैं हूँ आंचल सिंह। भारत के विरोध में कोई भी अगर खबरें आए और उस पर NDTV और इसके साथ ही जो कुछ सो कॉल्ड लिबरल हैं वो रिएक्ट ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। चाहे खबर झूठी क्यों ना हो, NDTV चलाएगा और उसके बाद जितने भी उसके समर्थक हैं वो उस पर खूब उछल कूद मचाएंगे। लेकिन सच्चाई क्या है, इससे कोई लेना देना नहीं है। दरअसल एक फेक न्यूज़ फैलाई गई, उसके बारे में हम आपको बताएंगे और सच्चाई क्या है वो भी बताएंगे। और ऋचा चड्ढा जैसे सो कॉल्ड जो अपने आप को लिबरल बताते हैं उनकी सच्चाई क्या है ये भी हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आपको खबर बताते हैं। दरअसल खबर ये है कि UAE जो गेहूँ आटा उसके यहाँ पहुँच गया है भारत से, वो 4 महीने के लिए किसी भी और देश को नहीं देगा। यानी कि जो वहाँ की कंपनियाँ हैं वो निर्यात नहीं कर सकती हैं, खबर ये थी। लेकिन NDTV ने क्या खबर दिखाई ये हम आपको बताते हैं। NDTV ने ये खबर चलाई कि UAE भारतीय गेहूं के निर्यात को 4 महीने के लिए बंद कर देगा और ये ब्रेकिंग खबर थी। NDTV ने ये खबर क्या चलाया, उस पर खूब जो वामपंथी हैं, जो भी बाकी हमारे देश विरोधी प्रोपेगेंडे में शामिल होते हैं, वो उछल कूद मचाने लगे। अब इस पर ये बताया जाने लगा कि नुपुर शर्मा से जोड़कर कि देखिए नफरत कितनी बढ़ गई है। कुछ लोग तो यहाँ तक कहने लगे कि भारत का भी कुछ दिन बाद श्रीलंका जैसा हाल हो जाएगा। बहुत सारे लोग आ गए, उन्होंने कहा कि देखिए नफरत जो है वो इतनी बढ़ती जा रही है और जो धर्म है वो आयात निर्यात नहीं देखता है। इन तमाम जो सवाल खड़े हो रहे थे, जो ये तमाम कमेंट आ रहे थे, इसके पीछे की सच्चाई जानने की किसी ने कोशिश नहीं की। किसी ने ये कोशिश नहीं की जानने की कि भारत का इस पर स्टैंड क्या है, भारत ने इससे पहले क्या आदेश जारी किया है या उसका क्या कहना है। दरअसल भारत ने तो जो खपत बढ़ रही है उसको देखते हुए दुनिया में 14 महीने के लिए गेहूँ का जो निर्यात है वो बंद कर रखा है। तो फिर अगर 4 महीने के लिए वो निर्यात बंद ही करता है तो उसे क्या ही फर्क पड़ रहा है, लेकिन बिना किसी तथ्यों की जानकारी के लिए। लेकिन बहरहाल आपको मैंने सच्चाई बता दी है कि उनके यहाँ जो गेहूं आटा पहुँच गया है उसका निर्यात वो 4 महीने के लिए नहीं करेंगे। अगर कोई भी 13 मई के बाद करना चाहता है तो उसके लिए सरकार से अनुमति लेनी होगी, बाकायदा उस पर उन्होंने एडवाइजरी जारी की है। लेकिन अब जब ये खबर आई NDTV की, इस पर कमेंट कैसे आ रहे थे उसके बारे में हम आपको बता देते हैं। जितने भी लिबरल हैं, वामपंथी हैं, उनकी जो अंधी दौड़ है वो शुरू हो गई। मिस्टर खान नाम के एक यूज़र ने इस पर एक ट्वीट किया और इशारा करते हुए कहा कि अगले कुछ दिनों में ही भारत के हालात श्रीलंका के जैसे होने वाले हैं। अब इसी पर एक महानुभाव जो हैं वो पलटवार करती हैं और वो भी तंज कसती हैं और ये लिखती हैं कि बेवकूफ़ धर्म को निर्यात और आयात के बीच अंतर नहीं समझ आता। इसके साथ ही उन्होंने इस पर और भी तमाम टिप्पणी की। एक जसप्रीत नाम के यूज़र ने इस पर लिखा कि लगता है कि हमारे विदेशी संबंधों का सत्यानाश करके ही मानेंगे। ये जो भी तंज कसे जा रहे थे, नुपुर शर्मा से जोड़कर कसे जा रहे थे, ये PM मोदी को लेकर और जो BJP है उसको लेकर किए जा रहे थे। इसके बाद ही एक और भी यूज़र जो हैं वो अबू रिडा नाम की, उन्होंने भी इस पर कमेंट कर दिया और उन्होंने कहा कि जिस दिन अरब भारत को तेल और गैस की आपूर्ति करना बंद कर देगा तो पूरा देश 1 महीने के लिए रुक जाएगा। यही नहीं, और भी कई सारे जो बॉलीवुड स्टार हैं जो समय समय पर सेलेक्टिव चीज़ों पर निकल कर आते हैं, बाकी जो मुद्दे होते हैं उस पर खामोश रहती हैं। नुपुर शर्मा को जो धमकी दी जा रही थी, जिस तरीके की उन्हें मारने की धमकी, रेप की धमकी मिल रही थी, उस पर एक महिला होने के नाते ऋचा चड्ढा सामने नहीं आई, लेकिन उनके खिलाफ जितना भी प्रोपेगेंडा फैलाना था उस प्रोपेगेंडे में ज़रूर शामिल हुई हैं। अब इसी प्रोपेगेंडे में शामिल होते हुए ऋचा चड्ढा ने भी कमेंट कर दिया और उन्होंने इस पर कमेंट करते हुए लिख दिया कि नफरत के अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रभावों का स्वागत है। अब इसी पर उनका जो IQ है उस पर सवाल उठाते हुए एक यूज़र ने जवाब भी दिया और उन्होंने कहा कि IQ के स्तर पर तो एक्ट्रेस राहुल गांधी की प्रतियोगी बन सकती हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि NDTV के इस ट्वीट को समझे बिना ही हरनीत सिंह नाम के एक यूज़र ने भी सरकार पर तंज कस दिया और उन्होंने कहा कि हम वहाँ बुलडोज़र कब भेज रहे हैं। यानी कि योगी आदित्यनाथ और PM मोदी को लेकर ये तंज कसा गया। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से बिना तथ्यों की जांच किए उछल कूद मचाना और भारत के विरोध में एक भी खबर अगर आती है तो उस पर खुशी जाहिर करना इन लोगों का काम धंधा बन गया है। बिना सच्चाई जाने ऋचा चड्ढा जैसी जो एक्ट्रेस हैं, अपने आप को बताती हैं कि वो इंटेलेक्चुअल हैं, वो मुद्दों पर सामने आती हैं, लेकिन कुछ खास मुद्दों पर आती हैं ये तो आप जानते हैं, उन्होंने इस प्रकार के ट्वीट किए हैं। अब इसको लेकर आपका क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।